कानी बहू। किशोरी लाल जी के बेटे राघव की शादी के बाद जगह जगह चल रही थी, लेकिन किशोरी लाल जी को कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती थी। और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी, किशोरी लाल जी का लालची होना। उनको लड़की वालों से मोटा दहेज चाहिए था, और इसीलिए एक दिन वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर एक बहुत ही अमीर घर पहुंचे। उस आदमी का नाम था ओम प्रकाश। देखे किशोरी लाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपत्ति जायदाद सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है। पापा, नाम से लगता है बहुत खूबसूरत होगी। कितना अच्छा नाम है ना, नैना। ओ, वैसे बात तो सही है आपकी। अब इतना पैसा है, जमीन जायदाद है, इकलौती बेटी, आप भी क्या करेंगे, सब कुछ उसे ही देंगे ना। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम। पापा, बिना देखे हाँ कर दीजिए ना, इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा, माला माल हो जाएंगे हम। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आपकी बेटी का नाम नैना है, सुनकर ही लगता है बहुत सुंदर होगी। रहने दीजिए अंकल, मैं तो आपकी बेटी के नाम से ही इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना देखे शादी करने को तैयार हूँ। अब तो मैं उसका चेहरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा। और इस तरह राघव नैना का चेहरा नहीं देखता है और उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद जब सुहागरात पर राघव नैना का घूंघट उठाता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं। कितने खूबसूरत हो तुम नैना, जरा अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे मैंने तुम्हें शादी से पहले भी नहीं देखा, और अब अगर तुम आंखें खोलकर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा। इससे पहले कि नैना अपनी आंखें खोलकर राघव को देखती, लाइट चली जाती है और राघव नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाता है। अगली सुबह नैना राघव के लिए चाय और नाश्ता लेकर के जाती है। अरे ये क्या, आधा पराठा सीका हुआ है और आधा बिल्कुल कच्चा, ये तुमने क्या किया नैना? बहू, तुमने क्या आधा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था, जो आधा सिका है और आधा कच्चा? मुझे जितना दिखेगा उतना ही तो सीखूंगी ना पापा जी। जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने सीख लिया, जहाँ जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्चा रह गया होगा। इसका क्या मतलब है, ये कैसा मजाक कर रही है तुम? अरे बहू, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों लगाया हुआ है? देखो हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है, और फिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो। देखो ये घूंघट डाल कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ नैना, पापा जी ठीक कह रहे हैं, तुम तो आराम से रहो, अपना ही घर समझो। नैना अचानक से अपना घूंघट उठा लेती है। अरे ये क्या, पापा, नैना की तो एक आंख फूटी हुई है। नाम से नैना, लेकिन ये तो कानी बहू निकली। मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा, बिना दिखा है अपनी कानी लड़की मेरे संग ब्याह दी, मुझे कानी बीवी नहीं चाहिए। मुझे अभी ओम प्रकाश जी से बात करनी पड़ेगी, आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? अरे आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते, अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम कहानी हो, एक आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता। किशोरी लाल और राघव नाराज होकर ओम प्रकाश को अपने घर बुलाते हैं। पापा जी, ये आपने क्या किया, शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना की आंखों में परेशानी है? अरे आप ही ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था। अरे लेकिन आप बता तो सकते थे। आपको तो हमारी बेटी की प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो भी पूरी की पूरी, अब क्या हुआ अगर उसे आधा दिखाई देता है, प्रॉपर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना। अरे ये क्या बात हुई, मेरी शादी प्रॉपर्टी से नहीं आपकी बेटी से हुई है। अब ये तो पहले सोचना चाहिए था, तब तो मेरी प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारी जुबान लप लपा रही थी। लेकिन मैं कानी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता, पापा कुछ करिए ना आप। हाँ करता हूँ करता हूँ। देखिए ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम देखो,
अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना, तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले ही लूंगा, और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी लूंगा। अरे मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है, और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जायदाद पर ही पड़ी है। अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना। और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर रखे तो? तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, और जो मैंने तुम्हें दिया है ना, उसमें से बस मैं आधा लेकर जाऊंगा। अरे लेकिन अब आप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी में से आधी वापस क्यों लेकर जाएंगे? अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखने को तैयार हूँ तो? इसलिए ताकि भविष्य में अगर तुम मेरी बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पति का हो। वैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने पति की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए ना। अब अगर तुमने मेरी बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कानी ही मिलेगी, पूरी नहीं। जमाए राजा। किशोरी लाल और राघव ये समझ चुके थे कि वो पूरी तरह से फंस चुके हैं, और इससे बाहर निकलने का भी उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला होती है। एक तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, ऊपर से बीवी मिली, उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने हैं। आए बड़े, चुपचाप बैठो दोनों। कुछ दिनों के बाद नैना राघव की कार लेकर बाहर निकलती है, और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या? एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है, लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है। अरे अरे कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू। वो क्या है ना पापा जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी। मुझे तो सिर्फ आधा ही दिखाई दिया, और वो गाड़ी मेरी कार से रगड़ती हुई निकल गई। अब मैं क्या करूं बताओ? अब इसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा, तुम्हारे पापा? तुमने मुझसे इस तरह से बात की, अभी रुको। नैना राघव की शिकायत ओम प्रकाश को कर देती है। देखो राघव, अब जो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी ना, उसमें से आधी और मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डांटा। अरे नहीं नहीं पापा जी, गलती हो गई, माफ कर दो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, अगली बार मेरी बेटी को डांटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुम्हें कानी बहू मिली, और ऊपर से जो माल मिला वो भी काना। इस प्रकार राघव की हर गलती पर ओम प्रकाश आधा आधा करके अपनी प्रॉपर्टी का सारा माल लेकर के चला गया। अब राघव को कानी बीवी से ही काम चलाना पड़ा। भाई ये लालच तो बहुत बुरी बला है।